वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कामरान और मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल कामरान जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो एजुकेशन के बारे में डिटेल बताऊंगा, कैरियर के बारे में डिटेल बताऊंगा कि एसएससी के बाद क्या करें तो अच्छा है और इंटर के बाद क्या करें तो अच्छा है और ग्रेजुएशन के बाद जो है कौन से फील्ड्स मिलते हैं और गवर्नमेंट में आप कैसा जा सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे और इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉयमेंट कार्ड के भी बारे में बताऊँगा और कई तरह के गवर्नमेंट के वैकेंसीज के बारे में भी बताऊँगा। आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें फ्रेंड्स। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोलने के खातिर और मेरे फ्रेंड्स बोलने के खातिर मैं अपने टेक्निकल कामरान जी पे जो है एजुकेशन की वीडियोज़ भी डाला हूँ। ठीक है, ये मेरी पहली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स का कहना था कि जो है आप सर यहाँ पे एक वीडियो बनाए, इसलिए मेरे फ्रेंड्स के खातिर और मेरे स्टूडेंट्स के खातिर जो है मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी जो है बहुत जने जो है एसएससी के एग्ज़ाम्स लिख चुके हैं, ठीक है, रिजल्ट्स के लिए वेटेड है। तो आपको एसएससी के बाद क्या करना है, देखिए एसएससी के बाद कई तरह के जीपीए आएंगे। ठीक है, किसी को 8.0 आएगा, किसी को 9.0 आएगा। ठीक है, तो जिसको भी जो है मेरी एडवाइस यही है कि आपको जो है अगर 8.5 के अबव या 9.0 के अबव जीपी आएगा तो आप पहले जो है सियासत ऑफिस को जाइए। जी हाँ, आप जो है सियासत ऑफिस एबिट्स पे जाइए क्योंकि वहाँ पे जो है 9.0 के अबव स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को 9.0 और 8.5 अबव कैंडिडेट्स को जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। हर साल जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है ऑस्ट्रेलिया से, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए और स्कॉलरशिप का बेनिफिट लीजिए। ठीक है, अगर आपके लड़का लड़की को 9.0 अबव जीपी आया है, अगर आपको जीपीए 9.0 अबव आया है तो प्लीज़ सियासत ऑफिस एबिट्स को एक बार ज़रूर जाइए, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे, कुछ कैश अवार्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको एसएससी के बाद अब क्या चूज़ करना है, देखिए एसएससी के बाद जो है मेरी तरीके से, मेरे हिसाब से जो है बेस्ट कैरियर ऑप्शन जो है आपका पॉलीटेक्निक होगा। जी हाँ, पॉलीटेक्निक यानी तो जो है टेक्निकल कोर्सेज जो भी रहते हैं, डिप्लोमा इन ट्रिपल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन नेवी, डिप्लोमा इन पुलिस, डिप्लोमा इन पुलिस ट्रेनिंग, जो कि डिप्लोमा इन एनसीसी ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन आईटी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिप्लोमा इन डीजल इंडस्ट्री, डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेटर, डिप्लोमा इन ऑटो डीजल मैकेनिक, डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो कई तरह के जो है डिप्लोमास आते हैं टेक्निकल कोर्सेस में और पॉलीटेक्निक में भी जो है आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है आप जो है पॉलीटेक्निक 3 ईयर्स कंप्लीट कर लीजिए। 3 ईयर्स का पॉलीटेक्निक होता है 10th के बाद। इसके लिए आपको पॉलीसेट का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे तो जो है आपको गवर्नमेंट में भी एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस मिलते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिला तो आपको जो है प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस में जो है एडमिशन मिल जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। ज़रा फीस जो है आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट रैंक नहीं आया तो। ठीक है, तो आपको 3 ईयर्स पॉलीटेक्निक कंप्लीट कर लेना है। 3 ईयर्स पॉलीटेक्निक के बाद जो है आपको बीटेक सेकेंड ईयर में ऑप्शन मिलेगा। बीटेक 4 ईयर्स का होता है और आपको जो है 3 सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा और आपके बीटेक के 3 ईयर्स हो जाएंगे। 3 ईयर्स पॉलीटेक्निक और 3 ईयर्स बीटेक आपको जो है करना पड़ेगा। आपको 4 ईयर्स बीटेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप पॉलीटेक्निक से आए हो, तो सिर्फ आपको जो है सिर्फ आपके लिए जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। जो इंटर से आते हैं यानी इंटर से जो है एमपीसी करके या बीपीसी करके आते हैं, उनको जो इंटर में एमपीसी करके आते हैं उनको बीटेक में जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर से ही एडमिशन मिलेगा, उनको 4 ईयर्स का बीटेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ पॉलीटेक्निक के लिए ये बेनिफिट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है पॉलीटेक्निक 10th के बाद बेस्ट होगा। आप पॉलीटेक्निक लीजिए, उसके बाद जो है आप कई तरह के फील्ड्स पकड़ सकते हैं। देखिए, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप जो है इंटर के एसएससी के इंटर के बाद जो है अगर आपको इंटर करना है एमपीसी से, बाईपीसी से, सीईसी से, एचईसी से, ठीक है, आपको 2 ईयर्स इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट जो है 4 ईयर्स का बीएड कोर्स स्टार्ट हो गया है 2019 से, तो आप यहाँ पे बीएड कर लीजिए। बीएड में भी बहुत ही वैल्यू है फ्रेंड्स। बीएड में जो है आप आगे जाके बहुत ही पैसे कमा सकते हैं। टीचिंग फील्ड बहुत ही बेस्ट है। अब जो है इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की जो है उतना प्रेशर नहीं रहा है मार्केट में, उतना जो है अभी उतनी जो है मार्केट में उतना लोग का जो है पावर नहीं रहा है जितना टीचिंग का पावर रहा है। ठीक है, तो आप जो है बीएड 4 ईयर्स का हो गया है, बीएड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। और गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा अप्लाई करिए फ्रेंड्स इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के बाद। जो है कई तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलते हैं, तेलंगाना
पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड से निकलते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से निकलते हैं, फॉरेस्ट बीट ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ठीक है, और यहाँ पे जीएचएमसी से निकलते हैं, ठीक है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से निकलते हैं। तो ऐसे कई तरह के वैकेंसी है जो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, थीके? तो इससे आपको जो है बेनिफिट भी होगा। अपना टाइम वेस्ट मत करिए फ्रेंड्स, इंटर के साथ साथ अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इंटर के साथ साथ बाईपीसी करिए, बाईपीसी के साथ साथ जो है आप नेट में एडमिशन लीजिए, नेट का जो है स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप एमपीसी कैंडिडेट है तो आप जो है एमसेट जो है स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है या एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो आप एमपीसी से भी जा सकते हैं फ्रेंड्स, पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, ठीक है, थीके? तो आपको जो है ये बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो है इंटर के फर्स्ट ईयर से ही जब भी से स्टार्टिंग से जो है आप एमसेट की और नीट की प्रिपरेशन कर लीजिए, वरना आपको जो है बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको रैंक जो है आगे चल के जो है आपको रैंक गुड नहीं आएगा अगर आप मेहनत जो है स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको लर्निंग जो है स्टार्टिंग से ही करना है, यानी इंटर फर्स्ट ईयर में जैसा आप दाखिल होंगे, जैसा आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड का, बोर्ड की स्टडीज़ भी आपको साइड में करना है और एमसेट की और नेट की प्रिपरेशन भी आपको साइड में करना है, ठीक है। बाईपीसी से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप बाईपीसी से जो है आप मेडिकल में जा सकते हैं, मेडिकल में जो है आप डॉक्टर बन सकते हैं, यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथी के बन सकते हैं, आयुर्वेदिक के बन सकते हैं, ठीक है, थीके? आप जो है साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, आप फिजिशियन बन सकते हैं, आप डर्मोटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप दिमाग के न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, किडनी के नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, तो कई तरह के जो है कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हार्ट के, आइस के जो है आइस के भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, थीके? तो ये कई तरह के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बाईपीसी के बाद जो है आप एमबीबीएस के लिए नेट लिखीजिए, नेट में अच्छा रैंक लाने की कोशिश करिए, नेट में अगर आपको अच्छा रैंक आ जाएगा तो आपको एमबीबीएस करना आसान हो जाएगा, उसमें जो है फीस आपकी बहुत ही कम हो जाएगी और आप जो आप ये जो आपको जो भी इंटरेस्टेड है प्रोफेशनल में, आप जैसा मैंने अभी कहा है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, स्किन के डॉक्टर बन सकते हैं, हार्ट के डॉक्टर बन सकते हैं, ब्रेन के डॉक्टर बन सकते हैं, किडनी के डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, थीके? तो बाईपीसी से ये बेनिफिट है फ्रेंड्स। एमपीसी से क्या बेनिफिट है, एमपीसी का 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप एमसेट लिखीजिए, एमसेट जो है जून या जुलाई में आता है, एमसेट लिखिए, उसके बाद जो है आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हैं, ठीक है, थीके? आप नेवी में जा सकते हैं और आप जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जा सकते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो ये एमपीसी के बेनिफिट्स है। और एमईसी और सीईसी से क्या बेनिफिट है, एमईसी और सीईसी के बाद जो है आप 2 इयर्स कंप्लीट हो गया बाद देखिए आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीए का जॉब लिख सकते हैं, सीए के लिए सीपीटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें आप क्वालिफाई करिए, उसकी फ़ीस रहती है वो फीस भरिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आप सीए के लिए अप्लाई करिए इंशाल्लाह। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको सीए के लिए, सीए बनना बहुत ही आसान नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है, थीके? तो इसके लिए भी आप अप्लाई करिए फ्रेंड्स।